नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा। पेश है संसद के दोनों सदनों के दिन भर की कार्रवाई पर केंद्रित विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। लेकिन सबसे पहले एक नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सभापति ने की 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की अपील खारिज। निलंबन वापसी पर सरकार करेगी विपक्ष से बातचीत। सदन की कार्रवाई से कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने किया वॉकआउट। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021। रिटायर्ड जजों के पेंशन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला अभी तक नहीं आया है सामने। सरकार इसे लेकर उठा रही है सभी एहतियाती कदम। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया भरोसा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में जल्द पेश होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर विधेयक। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरक सवालों का दिया जवाब। कहा, मीडिया में जारी भ्रामक विज्ञापनों का अध्ययन कर रही है सरकार। सदन दिनभर में आज पहले बात राज्यसभा में आज की कार्रवाई की। राज्यसभा में आज 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला छाया रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए फैसले को नियमों के विरुद्ध बताया और सभापति से इसे रद्द करने की मांग की। द रूल्स ऑफ काउंसिल परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस ओनली आफ्टर नेमिंग ऑफ सच मेंबर The chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of rule 256. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, The motion of suspension of member so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, I understood. So I am bringing to your notice 1 minute. Yeah, please. Half second. Take half a minute, no problem. No, one minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही अपनी बात समाप्त की, सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी 12 सदस्यों के निलंबन के निर्णय को सही बताया और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि उस सदन एक सतत सभा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निलंबन का निर्णय किस सत्र के घटनाक्रम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि निलंबन को वापस लेने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को लगातार लंबे समय तक बाधित करना संसदीय परंपरा नहीं बन सकता। You try to misread the house, you disturbed the house, you ransacked the table and you also threw the papers on the chair and also you have got, some of them have gone down to the table and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think
the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. सभापति एम वेंकैया नायडू ने जब विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया तो विपक्ष ने सदन का वॉकआउट करने का निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने सदन की पूरे दिन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं रहे। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट करने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दे बात करके सुलझाए जा सकते हैं, हालांकि सदन से वॉकआउट करने का विपक्ष का अधिकार है। You have got every right to walk out. I am not questioning it. But keep the respect of the house. Ah, yes, sir. Let them walk out, sir. House will be in order. So that. No comment. No comment. You have got every right to walk out. In a democracy. आगे चलकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों का जिक्र करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त के अपने वक्तव्य को सदन के सामने रखते हुए बताया कि कैसे 10 अगस्त की घटना के दौरान उपसभापति हरवंश ने 33 सदस्यों को आगाह किया था, ऐसे में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि सदस्यों का सही से उनकी बात पहुँचाने का मौका नहीं मिला। Members who have done this, there was also a complaint saying that they have not been named earlier. I 746 on 11th August, the proceedings of the House are open. One can see there were 33 members who were named. Out of 33, these 12 members who were suspended yesterday by a motion moved by Minister, those 12 names are there. If anybody want to go through the proceedings of the House, so I express my anguish, I caution the House, I appeal to the House, and then they have been named, then what else you require? Some people are complaining, we should have been given another opportunity to say what? And after this action, some of the members who were suspended, their reaction outside, their comments outside, under their TV, bites also, are very much there. And I am only one happy. राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन की कार्रवाई को वापस लेने की विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग को सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहले तो खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस मसले पर विपक्ष और सरकार को बातचीत के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले नायडू ने 12 सदस्यों के निलंबन पर लचीला रुख अपनाते हुए नेता सदन और नेता विपक्ष को आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सभी निलंबित सदस्यों को सदन में आने से पहले अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। I only appeal to all concerned to see that everybody follows rules. Realize that some of them have gone wrong. They should realize it. And then the leader of the opposition and leader of the house, I suggest to both of them to meet together, discuss and make that these members who have committed their sacrilege, they realize. And then we can think about it, whatever has been suggested. 2 बजे के बाद सदन की बैठक पुनः शुरू होने पर नेता सदन पीयूष गोयल ने भी सदन को इस मामले पर आश्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर भूल हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे उस भूल को ना दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफ़ी मांगे जो गलत काम गलती किसी से भी हो सकती है।
जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। और 10 अगस्त को जब मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुछ अशोभनीय घटनाएं हुई थी, तब उपसभापति हरिवंश सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आज इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने की वकालत की। मुझे उम्मीद है माननीय चेयरमैन साहब ने यहां से कहा था, अपनी बात में उल्लेख किया था कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष मिलकर के इस पर परामर्श करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे। मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा। और अब राज्यसभा में हुए प्रश्नकाल से जुड़ी खबरें। आज राज्यसभा में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े भी कई सवाल उठाए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े कई सदस्यों ने सरकार से क्रिप्टो करेंसी को लेकर नीति साफ करने को कहा। वित्त मंत्री ने सभी सदस्यों के सवालों का जवाब दिया और उन्हें जल्द इस विषय पर आने वाले विधेयक का इंतजार करने की सलाह दी। एक सवाल बीजेपी के सांसद नीरज शेखर ने भी पूछा। वो जानना चाह रहे थे कि सरकार क्रिप्टो करेंसी निवेश के जोखिम को लेकर जनता को कैसे सतर्क कर रही है। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि बिल आने वाला है, लेकिन बिल आने से पहले, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जो शुरू हुई थी $1 से, आज $60,000 उसका मूल्य है, तो इससे मैं मानता हूं कि एक अनुमान जो लगाया गया भारत देश में कि करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है, इसमें पैसा अपना लगाया है और लाखों करोड़ रुपये उसमें चले गए हैं, क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पैसा लगा रहे हैं जो आगे उनका नुकसान हो सकता है। हमारा वित्त मंत्रालय इसमें कुछ, जब तक बिल नहीं आता तब तक समझाने की कोशिश कर सकता है ऐसे पैसों में निवेश ना करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नियमन करने और उसके दुष्प्रभावों के बारे में सरकार जनता को अवगत कराती रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर जल्द ही एक विधेयक लाने जा रही है। हालांकि इस बीच देशवासी ये जरूर समझ लें कि फिलहाल किसी भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं मिली है। सरकार विधेयक के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग और आतंकवादियों के हाथों में जाने से रोकने की कवायद होगी। सर, ऑनरेबल मेंबर नीरज शेखर जी एंड आल्सो फॉर दैट मैटर द मेंबर फ्रॉम ओडिशा अमर पटनायक जी हैड बोथ रेज्ड दिस क्वेश्चन। Yes, the bill will come all right. But till then, definitely attempts, and I'm sure also economist Narin Jadavji also mentioned that, through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there, be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So also I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group, and then the interministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued out, but we are now bringing a bill and so on. So time has lapsed. In the meanwhile, it has also proliferated. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high-risk area to go in. That much has been done. Maybe more can be done on that area. I concede for Honorable Member Neeraj Shekhar's concern, but that's the point. So we are doing those little things, but then the bill is what is राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने यह जानना चाहा कि ऐसा क्यों है कि देश के कई बैंक
राजनीति से जुड़े लोगों को ऋण देने से कतराने लगे हैं। उन्होंने वित्त यह भी जानना चाहा कि इस स्थिति में सुधार कब होगी। बैंक्स हैव अ बैंक्स पुट ऑल दोज हु आर इन द पॉलिटिकल फील्ड एज पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। वी आर ऑल कॉल्ड द पीईपीस, नॉट ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इवन पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन any political office bearers position also are called PEPs, and many people here who would otherwise be eligible to get loans from banks, and people whom banks actually chase to offer loans, including many senior IAS officers I find here or businessmen, they are not given loans because they are politically exposed persons. I think it's an insult that you don't consider elected representatives of parliament. I have many colleague members who have been in government service, and they were always chased by the banks to take loans, but today they run away from them. So I want to understand why is there such a category, and whether RBI can give strict guidelines to really remove this stigma. Narasimha Rao ke sawal ka jawab dete hue vitt rajya mantri Bhagwat Kishan Rao ne mana कि राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ऋण लेना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ऐसा पुलिस वालों के साथ भी होता है। बैंक लोन देते समय पॉलिटिशियंस और पर्टिकुलरली पुलिस कर्मचारियों के लिए थोड़ा नेगेटिव रिमार्क रहता है, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है प्लीज, तो दैट इज अ फैक्ट। पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर को बैंक लोन देने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उस प्रॉब्लम को रिलू कैसे किया जाए इसके लिए कह रहे हैं। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए सदन दिन भर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सदन दिनभर में। अब बात लोकसभा में हुई आज की कार्रवाई की। और अब लोकसभा में हुए प्रश्नकाल से जुड़ी खबरें। लोकसभा में आज पहला प्रश्न दूध की कमी से संबंधित था। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने खासकर बुंदेलखंड इलाके में देसी गौवंश से मिलने वाले A2 दूध के बारे में जानना चाहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देसी गौवंश से जो उपलब्ध दूध है उसकी निरंतर उस पर कमी आ रही है। भारत सरकार ने बड़ा उस पर क्रांतिकारी कदम उठाया है, और पूरे देश में हर जगह देसी गौवंश के दूध उत्पादन को लेकर के अनेक प्रकार के प्रयोजन किए हैं। बहुत माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बड़ी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हर जगह गौशालाएं खोली गई हैं, और A2 मिल्क जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत नितांत आवश्यकता महसूस की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्रांतिकारी कदम जो पोषण अभियान चल रहा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, महोदय विपक्ष की जो ये करतूत जो दिख रही है, किसानों की बात करते हैं, बुंदेलखंड के किसानों का भला इस मोदी सरकार ने किया है? हमारे यहाँ पानी की जो कमी थी उसको लेकर के जितने भी वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं, आज के पहले कभी आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते 60,000 हेक्टेयर जमीन हमारे क्षेत्र में सिंचित हुई, और उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गोवंश को चारा नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजने की सोचती थी पहले जमाने में, पहले भाजपा सरकार के पहले। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश का जो A2 मिल्क है, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी जो योजना है पोषण अभियान, कि हर व्यक्ति को पोषण मिल सके, हर बच्चे को मिल सके, क्या A2 मिल्क देशी गौवंश का राशन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है? सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह के सवाल का जवाब देते हुए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सदस्य के सुझावों को अच्छा बताया, और साथ ही ये भी कहा कि सरकार डेयरी
कॉपरेटिव की व्यवस्था बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव अच्छा है माननीय सदस्य का। ए टू मिल्क की महत्व है बहुत पूरे देश में, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो शहरों में एक अलग कल्चर पैदा हुई है ए टू मिल्क के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है, गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए, लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के ए टू मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने गौवंश से जुड़ा एक अन्य सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने इन पशुओं के लिए और अधिक अस्पताल बनाने को लेकर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के कि मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो देशी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। जब उस गौवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज़्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नज़दीक नज़दीक जहाँ पर दूरी ज़्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहाँ पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? जवाब में डॉक्टर संजीव बालियान ने सदन को मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे सरकार की ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही है। आज़ादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है मोबाइल वेटरनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं, उसमें से 520 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक को चलाने के लिए के 60-40 के उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार आगे मदद करेंगी। और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। आज लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सबसे पहले दादर एवं नागर हवेली की नवनिर्वाचित सांसद कलाबेन मोहन भाई डेलकर को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। कलाबेन डेलकर ने सदन में अपने दिवंगत पति मोहन डेलकर की जगह ली है। मैं कलाबेन मोहन डेलकर, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। लोकसभा में मंगलवार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। ये विधेयक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के पेंशन नियमों में सुधार से संबंधित है। किरण रिजिजू जी, और आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द हाईकोर्ट जजेस Salaries and Conditions of the Services Act 1954 and the Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Services Act 1958। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में सदन की कार्रवाई
पूरी नहीं हो पाई। प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से कई बार अपने स्थान पर रहकर अपनी बात कहने की अपील की। उन्होंने प्रश्नकाल की अहमियत गिनाई और दिन भर की कार्यवाही के दौरान चर्चा के लिए तय किए गए मुद्दों की भी बात रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदस्य इस सदन से अच्छे संदेश भेजने की कोशिश करें। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है, आपको प्रश्नकाल पे पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा मैं। आप चर्चा करने के लिए आए यहाँ पर तो चर्चा कीजिए, सदन में अच्छा सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। प्रश्नकाल पर आप हंगामा करते हैं उचित नहीं है, नो गलत है आपका। आप प्रश्नकाल पर चर्चा करिए, प्रश्न पूछिए, इतने महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय सदस्य, आंध्र प्रदेश जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप जिसकी डिमांड करते हैं उस पर प्रश्न आए, आप अपनी सीट पर जाइए। नहीं, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। तो सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।